न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की टीम की तरफ से आप सभी प्रदेश वासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। साल का पहला त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। यह त्योहार उत्तर भारत में खास तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार का अपना खास महत्व है। आखिर क्यों लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है और क्या खास महत्व इस त्योहार का होता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोहड़ी का त्योहार हर साल देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का लोगों के बीच हमेशा से ही एक खास क्रेज होता है। नाच गाने से सजा यह त्योहार खुशियों से भरा होता है। जिन परिवारों में शुभ कार्य होता है या जिन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, उनसे पैसे लेकर बच्चे मोहल्ले या गांव भर में ही बराबर बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे दो चार दिन पूर्व बालक बालिकाएं बाजारों में दुकानदारों और पथिकों से मोहमाया महामाया यानी लोहड़ी के पैसे मांगते हैं। इनसे लकड़ी और रेवड़ी खरीद कर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। लोहड़ी के दिन क्या क्या होता है, क्यों मनाते हैं? ये लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन कटाई और बुनाई, फसल की कटाई और बुनाई के लिए ये पूजा की जाती है इसकी। और ये पंजाब का त्यौहार है और इस दिन तिल गुड़ गजक मूंगफली फूले इन चीज़ों से पूजा की जाती है इसकी। लकड़ी जलाई जाती है, उससे उसकी पूजा की जाती है। किस तरह से मनाया जाता है लोहड़ी का त्योहार? यह त्योहार शाम के समय मनाया जाता है। इस पर्व पर मूंगफली गुड़ तिल और गजक खाया जाता है। शाम के समय घर के सभी लोग घर से बाहर लोहड़ी जलाते हैं। इसी लोहड़ी में मूंगफली गजक तिल और मक्का डालकर उसकी परिक्रमा करते हैं और आने वाले सुखद भविष्य की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही परिवार के लोग लोहड़ी के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए लोकगीत गाते हैं। यह त्योहार नए शादीशुदा जोड़ों के लिए भी बहुत खास होता है। नए शादीशुदा जोड़े अग्नि में आहुति देकर अपने खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। त्यौहार पंजाबियों का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि सर्दियों में मनाया जाता है। इसमें पुरानी फसलों की कटाई की जाती है और नई फसलें उगाई जाती हैं, जिससे किसान भाइयों में भी हर्षोल्लास छा जाता है। इस दिन रात को लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं तथा उसे जलाया जाता है। फिर उसमें मूंगफलियाँ गुड़ गज्जक रेवड़ियाँ ये सब की आहुति दी जाती है और इन्हीं का प्रसाद भी बांटा जाता है। और ये पंजाबियों का त्यौहार है तो इस पे ढोल वगैरह भी बजते हैं, लड़के भंगड़ा करते हैं, लड़कियां गिद्दा वगैरह भी करती हैं। तो सब साथ में इसका त्यौहार मनाते हैं तथा जिन बेटियों की शादी की जाती है उनको इस त्यौहार पे बुलाया जाता है बड़े ही सम्मान से और उनको लोहड़ी की बधाइयाँ दी जाती हैं। तथा जो अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है उसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। बस इतना ही होता है इस लोहड़ी के त्यौहार में। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने लोहड़ी के त्योहार में अग्नि में क्यों डाला जाता है अन्न? इस त्योहार को वसंत ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है, इसलिए रबी की फसलों से उपजे अन्न को अग्नि में समर्पित करते हैं। नई फसलों का भोग लगाकर देवताओं से धन और संपन्नता की कामना करता है। लोहड़ी को सर्दियों के अंत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार लोहड़ी का त्योहार शीतकालीन संक्रांति के गुजरने का प्रतीक है। यही कारण है कि इस खास पर्व को सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। ये पर्व मकर संक्रांति से ठीक एक रात पहले धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे माघी के नाम से भी जानते हैं। दरअसल चंद्र सौर विक्रमी कैलेंडर के सौर भाग के अनुसार और आमतौर पर लोहड़ी के पर्व को हमेशा ही 13 जनवरी को घरों में मनाया जाता है। त्यौहार है हमारा 13 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। ये मुख्य त्यौहार पंजाबियों का होता है, जिसमें फसलों की पूजा की जाती है और जो हमारे किसान भाई हैं उनके द्वारा ये आरंभ किया गया एक पंजाबी त्यौहार है, जिसमें हम उगाने वाली फसलों को एक अहमियत दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। और ये जो त्यौहार है ये
पूरे परिवार के साथ मनाया जाता है और सब मिलजुल के इसकी खुशियाँ मनाते हैं। इसमें आपका लकड़ियाँ लाई जाती हैं, उन्हें जला के उसमें मूंगफली और गुड़ और फुलियों का आहुति दी जाती है। साथ ही साथ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, घर घर जाके बधाई दी जाती हैं। और साथ ही मेरी तरफ से लोहड़ी दिया सानू सारे नु लख लख बधाई। जानिए क्या है लोहड़ी की कहानी। आपको बता दें कि लोहड़ी के त्योहार पर दुल्ला भट्टी की कहानी को खास रूप से सुना जाता है। दुल्ला भट्टी मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के वक्त पर पंजाब में रहता था। मध्यपुर के गुलाम बाजार में हिंदू लड़कियों को जबरन बेचने के लिए ले जाने से बचाने के लिए आज भी पंजाब में एक नायक के रूप में माना जाता है और याद किया जाता है। कहानी में बताया गया है कि उन्होंने जिनको बचाया था उनमें दो लड़कियां सुंदरी और मुंदरी थी, जो बाद में धीरे धीरे पंजाब की लोक कथाओं का विषय बन गई। देश भर में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्योहार किसानों का नया साल भी माना जाता है, साथ ही इस त्योहार को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत भी माना जाता है। इसी के साथ आप सभी को न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की ओर से लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। नमस्कार। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की टीम की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।